पूर्वोत्तर रेलवे पुरस्कार सप्ताह 2020 के तहत 12 फरवरी को 105 रेल कर्मियों को NERGM अवार्ड दिया जाएगा, जिसके लिए रेलवे प्रशासन ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों की सूची तैयार कर ली है। सैयद मोदी स्टेडियम में 12 फरवरी को प्रस्तावित पुरस्कार वितरण में COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा तथा दर्शकों की संख्या सीमित रखी गई है। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 12 फरवरी को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें गोरखपुर क्षेत्र में कार्य करने वाले रेल कर्मियों को बुलाया जाएगा। मंडल कार्यालयों पर तैनात रेल कर्मियों का पुरस्कार वितरण मंडल स्तर पर ही कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, जो पिछले वर्ष का रेल सप्ताह पुरस्कार था महाप्रबंधक स्तर का, वो कोविड के कारणों से नहीं हो सका था। उसको हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि 12 फरवरी को हम लोग सैयद मोदी स्टेडियम में करेंगे और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यहाँ संख्या निर्धारित की गई है, फैमिली नहीं आएगी उनकी, और यहाँ पे केवल कुछ पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को ही बुलाया जा रहा है। बाकी जो डिवीजन के लोग हैं मंडल पे, जिनको पुरस्कार की घोषणा हुई है, उनका पुरस्कार मंडल स्तर पे DRM वहीं पे देंगे और उन सभी को वीडियो लिंक के माध्यम से एक जगह लाया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और यहाँ जो गोरखपुर में प्रोग्राम होना है वो सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में हो। सर कितने लोग करीब पुरस्कार, अगर व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो कुल 105 लोग ऐसे हैं जिनको इस बार महाप्रबंधक स्तर का पुरस्कार दिया जा रहा है।